वेल नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन विन के बारे में, ए स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स, जिसके ऑथर हैं दोस्तों शिव केरा जी, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने इंडियन कास्टिज्म सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम भी शुरू की है, जिसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम है दोस्तों कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक कार वॉश करने वाले व्यक्ति के रूप में की थी। इसके साथ ही वो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी रहे हैं और आज वो अपने इस मुकाम पर हैं कि आज वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों उनकी इस बुक के अंदर उन्होंने टॉप अचीवर्स के कुछ सीक्रेट्स हमें बताए हैं, जिनको हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप पूरे दिलो जान के साथ पूरा करना चाहते थे, मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या फिर आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपनों को ही पूरे होते हुए देखा है मगर खुद के नहीं? जी हाँ दोस्तों, हम सभी के साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई होती है, जब हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए वे उन्हें मिल ही जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये वीडियो समरी उन सभी रीजंस पर लाइट डालेगी जो आपको ये बताएंगे कि क्यों सिर्फ कुछ लोग ही सक्सेस को हासिल करते हैं जबकि सब नहीं। ये वीडियो समरी एक मेनू है दोस्तों, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाएगी। ये वीडियो समरी आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये वीडियो समरी आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपनी गोल्स क्लियरली सेट कर पाएं और अपने ड्रीम्स सच कर पाएं। और इस वीडियो समरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसके हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा, जिसे कि आप किसी भी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो समरी को देखने के बाद आपको सीक्रेट मिल जाएगा जो कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं दोस्तों, तो इस वीडियो समरी के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड के बारे में, कि सफलता पाने के लिए आपका एटीट्यूड कितना मैटर करता है और कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ कंपनियां बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है दोस्तों, जो है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से होता है दोस्तों। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी कि टॉप क्वालिटी पीपल्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम के अंदर हायर किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पर ले जाने की। और स्टडी से प्रूव हो चुका है कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूमे यानी कि CV की वजह से नहीं, बल्कि अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का एक सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट और हमारे एक्सपीरियंसेस पर। जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपकी ये हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहने से आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं दोस्तों, और आप नेगेटिविटी को खुद से दूर रख सकते हैं दोस्तों। हम आपको एक कहानी बताते हैं जिसमें कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से बहुत ज़्यादा खुश था और एक हैप्पीली लाइफ को जी रहा था, लेकिन एक दिन वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है दोस्तों, अगर उसके पास एक अंगूठे जितना डायमंड हो तो वो एक पूरे शहर को खरीद सकता है।
और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना डायमंड होगा तो वो पूरी कंट्री भी खरीद सकता है। दोस्तों, वाइज मैन की इन सभी बातों को सुन करके हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेतों को बेच करके डायमंड ढूंढने निकलेगा। और बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इनफैक्ट वो इतना थक चुका था कि उसकी हालत खस्ता हो गई थी और उसने एक तरह से डायमंड्स मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज़ को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ। जिस आदमी ने उसके खेतों को ख़रीदा था, उसे एक दिन खेत के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे अपने पशुओं को चरा रहा था कि तब अचानक उसने पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने गया तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस कि उसे ये बात मालूम नहीं थी। इस कहानी से ये बात प्रूव होती है दोस्तों कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता और अपनी एसेट्स पर भरोसा रखता तो शायद वो सबसे इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस हो करके बेकार में ही अपनी जान दे दी और लोगों के ओपिनियन से खुद की लाइफ को बर्बाद कर लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं सक्सेस की विनिंग स्ट्रेटजी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट अ लक, यानी कि सक्सेस किस्मत का नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख करके बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है दोस्तों। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना फेस करने पड़े, इतिहास में कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जिसमें कोई अड़चन ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद ही होगी, है ना दोस्तों। उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले करीब 10,000 बार फेलियर का सामना किया था। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर दे। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए दोस्तों। याद रहे कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके, और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉज ऑफ नेचर की फिलोसफी आपके बड़े काम आएगी दोस्तों। आपकी मिस्टेक को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और आपको जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे आ करके बातें करने लगे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगे। वो आदमी जान बचाने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा, उसकी सांसें घुट चुकी थी। उसने खुद को छुटाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफी मजबूत थी। वो आदमी पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, उसका फेस एकदम नीला पड़ गया। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली की और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे, उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी। हवा, उस आदमी ने जवाब दिया। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितना कि तुमने इस वक्त तुम्हारे लिए हवा को महसूस किया, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा सा क्रूशियल जरूर था दोस्तों।
मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धो करके पड़ जाओगे, तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर के बारे में, जो है दोस्तों मोटिवेशन, कि कैसे आप खुद को और दूसरों को हमेशा मोटिवेट कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस चीज़ को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं दोस्तों, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि फियर, मनी या फिर फेम हमें मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट दे करके या फिर उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिज़र्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए चैलेंज करो। एक लड़के की स्टोरी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अपने स्कूल टीम में सोकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था, क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता तो उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते, हालांकि उनके बेटे को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसी समय उसके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने अपने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख लें, मगर कोच ने बोल करके मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा, और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देख करके हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो ही लड़का था दोस्तों। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि वो लड़का सोकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर अचानक वो आज एक स्टार बन करके उभरा। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्मर इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने के लिए आते थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे, वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता हुआ देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल उस लड़के की तरह। बस क्लियर गोल सेट कीजिए, हाई एक्सपेक्टेशन रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। यही है सक्सेस का तीसरा सीक्रेट दोस्तों, खुद को और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सक्सेस के नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, जो है दोस्तों सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड इमेज, यानी कि खुद की एक पॉजिटिव इमेज कैसे बनाई जाए। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है दोस्तों। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको अपने आसपास के लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपने प्रोमिसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रह करके आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे दोस्तों, और ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शंस से दिखता है, ना कि हमारे बातों से। हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, ये हमारे सेल्फ एस्टीम से नहीं पता चलता। इसलिए प्रीटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि असलियत में हमारे एक्शंस के थ्रू ये शो हो जाता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। ये चीज़ हमारी सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है।
आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जो लोग एक फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ भले बड़े होते हैं वो जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है सक्सेस का। और सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, बल्कि वो भी जो हमें पूरे दिल से करना चाहिए। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि हम लाइफ में अपनी हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए, अपनी लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहें, हेल्पफुल बने और जो लोग आपकी तारीफ़ करें उसे दिल से एक्सेप्ट करें। इस तरह के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उसे अचीव करना और भी इजी हो जाएगा। विल्मा काफ़ी छोटी थी दोस्तों जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा था। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया। तब उसकी एज सिर्फ 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे, वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने को सच करके दिखाएगी। अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक दिन विमला ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार ज़मीन पर अपना पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। वो विमला ने कंपटीशन में रेस लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह से कई साल गुजर गए, विमला ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विमला की पॉजिटिव एनर्जी पे पूरा यकीन हो गया था। विमला ओलंपिक में गई जहाँ उसने कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ। मगर विमला ने उस लेडी को हरा करके तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल लेकर ही घर लौटी। विमला ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर के हिसाब से नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1916 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली पहली पैरालिस्टिक औरत थी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर के बारे में, जो है इंटरपर्सनल स्किल। दोस्तों बिल्डिंग ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यानी कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को प्लीजिंग बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने की स्किल आनी चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार कहा था दोस्तों दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। मीन्स कि इस दुनिया को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं चाहिए बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को करिज्मेटिक होने की ज़रूरत है और उन्हें दूसरों की केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट करना होगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लाइफ एक इको है दोस्तों, जैसी जो आप दुनिया को दोगे वही लौट करके आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो सेम चीज़ें आपको बदले में मिलेंगी। इसलिए ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक गुड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना होगा, जो प्रोमिसेस किए हैं उन्हें पूरा करना होगा, जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसिज्म को करने से बचें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझें और उसे माफ़ कर दीजिए। और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें, क्योंकि भगवान ने भी हमें 1 मोड़ 2 कान दिए हैं ताकि हम ज़्यादा सुन सकें। और अगर आप अपनी गलती को तुरंत मान लेते हैं तो ये गुड पर्सनैलिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसके बजाय कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करें,
याद रखे अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलो इसी बात पर एक स्टोरी सुनाते हैं दोस्तों। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीज़ें बांटते रहते थे। पहले वाला बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी उससे बदले में 1 पाउंड बटर देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड हैवी या फिर नहीं, तो उसने अपने शक को दूर करने के लिए एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिला था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इसी चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मसला कोर्ट में पहुंचा। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता था, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब तो ये बात साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वो पहले वाला फार्मर है, यानी कि जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर के बारे में, जो है सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट बिल्डिंग ए प्लेजिंग पर्सनैलिटी। यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके कैसे अपनी पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सकें, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी ईजिली कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है दोस्तों। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस से इतना सारा लर्न कर चुके हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ ईजिली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को इफेक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग इतने फोकस और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लीजिए। ये हैबिट्स आपको एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएंगी, और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना शुरू कर दीजिए। यानी पॉजिटिव हैबिट्स जैसे कि चॉइस ऑफ द बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवी जो आप देखते थे, और पॉडकास्ट जो आप सुनते आ रहे हैं। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट कीजिए। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से स्टार्ट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद उसे फॉलो करने लगेगा। और हम सभी ये जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, ये सोचता नहीं है और ना ही कोई सवाल करता है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है दोस्तों। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस कीजिए। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल में होते हैं, और हैबिट्स इतनी ईजिली चेंज नहीं हो पाती। स्पेशली हमारा माइंड किसी भी चीज़ को इतना ईजिली अडोप्ट नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलिए। हैबिट रातों रात बिल्ड नहीं होती, इसके लिए डिसिप्लिन पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 डेज फार्मूला बताएंगे जो आपकी हैबिट फॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी कि आप अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना छोड़ दें। जैसे अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। अपनी डेली प्रैक्टिस में और ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स की हैबिट डालें। ऑथर हमें अपने नेफ्यूज़ की स्टोरी बता रहे हैं कि उनके 2 भतीजे थे जिन्हें टेनिस खेलना पसंद था। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों को इस हैबिट की वजह से उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर ने उन्हें बोला, घर पर सारा दिन खाली बैठ कर किसी बैड हैबिट में पढ़ने की बजाय टेनिस खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पर गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें इंगेज रखता है, जिससे कि वो किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का तो शिकार नहीं बन रहे।
आपकी हैबिट आपको कहां पर ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फिर फेलियर की तरफ, ये आपके आंसर पर डिपेंड करते हैं दोस्तों कि आप खुद को फ्यूचर में कहां पर देखते हैं। इसलिए आज से अपनी हैबिट को लेकर के सीरियस हो जाइए और जो भी नेगेटिव बातें आप सोचते हैं उन्हें पॉजिटिव बातों के अंदर चेंज कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर के बारे में, जो है गोल सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। यानी कि सबसे पहले हमें अपने गोल्स को सेट करना होगा और उसके बाद ही हम उसे अचीव कर पाएंगे। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर के कोई क्लियर विजन नहीं होता, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती, ऐसे लोग लाइफ टाइम तक बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करना और ड्रीम्स और विशेष पूरे होने में काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने गोल सेट करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर के नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी कर पाएंगे या फिर नहीं। इसीलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, एम्बिशन से ग्रेट लोगों को आम लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, कुछ इस तरह के स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जैसे कि मैं एक सिक्स पैक एब्स बिल्ड करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आपके गोल्स मैनेजरेबल भी होने चाहिए ताकि आप इनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। इसलिए ये रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा कोई गोल सेट मत कीजिए जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली अपने गोल्स को एक टाइम लिमिट में बाउंड कीजिए। जैसे कि अगर आपको सिक्स पैक एब्स बनाने हैं तो खुद को 6 मंथ का टाइम दीजिए। गोल शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और हमारी लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टोरी को लेते हैं दोस्तों, जिसमें एक महिला एक फेमस स्विमर थी। उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था और अब उसके सामने इससे बड़ा गोल था। फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि अब वो कैटलिना चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो कोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिशेस से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उसे कोहरे की वजह से लैंड नजर नहीं आ रही। फाइनली वो इतना थक गई कि उसने गिव अप कर दिया। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेंस का विजन क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 मंथ बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उसने मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 घंटे से ये रेस जीती। ये स्टोरी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंस को बताती है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं रखोगे तो आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मानकर बैठ जाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर के बारे में, जो है दोस्तों वैल्यूज एंड विजन। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, यानी कि आपको सही चीज़ों को सही कारण की वजह से करना चाहिए। हम ये कैसे श्योर कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे वैल्यूज सिस्टम राइट हैं या फिर रॉन्ग? हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं? लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हर कोई अपने नज़रिए से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों जिसे आप कर सकते हैं, वो है मम्मा टेस्ट। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछ लीजिए कि आपकी मदर आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या फिर नहीं। अगर वो करती है तो आप राइट पाथ पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपनी वैल्यूज में चेंज लाने की ज़रूरत है। सेकंड टेस्ट है दोस्तों बाबा टेस्ट। ये भी सेम मेथड है, बस फर्क इतना है कि इस बार आप खुद को फादर समझें। वो सोचे कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचे कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है,
वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंज लाने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करके अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आपके वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ रॉन्ग है तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी क्योंकि वैल्यूज़ आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यूज से ही बिल्ड होता है दोस्तों, जो आपकी लाइफ को स्टार्टिंग पाथ पर ले जाती है। यहाँ पर हम आपके साथ एक किंग की स्टोरी शेयर करेंगे दोस्तों, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह से गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया। उसने स्ट्रेंज आदमी से उसने कहा कि वो उसकी एक विश पूरी कर सकता है, वो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से ही प्यार था इसलिए उसने स्ट्रेंजर को बोला कि वो मुझे एक ऐसी पावर दे कि मैं जिसे भी टच करूँ वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। स्ट्रेंजर ने उसे बोला कि कल सुबह से तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अगले दिन किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने अपने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देख करके उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना गोल्ड बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खा सकता है। राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने अपनी बेटी को छुआ वो भी सोने में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो खुद को कोसने लगा था। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो स्ट्रेंजर वापिस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, मेरी विश वापिस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापिस चाहिए थी जिसके बिना वो जी भी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो चुकी थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पा करके बेहद खुश था और उसे समझ भी आ चुका था कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इस राजा की तरह ही अगर हम अपनी वैल्यू चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज़ को फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। इस आपसे ये नहीं कहती कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए बल्कि ये बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना है जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है दोस्तों। ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारी वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है दोस्तों। इस बुक में हमने जाना कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ एस्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मत भूलिए कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग और एक्साइटिंग होनी चाहिए। याद रहे कि लाइफ एक बूमरैंग की तरह होती है दोस्तों, जो आप दोगे वही पाओगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। और ये गोल्स राइट वैल्यूज़ पर भी बेस्ड होने चाहिए। ये भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज़ पर बेस्ड लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विज़न पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है और दुनिया में खुशियाँ बांटो। लाइफ एक विन विन गेम है। कितना आप दूसरों की केयर करोगे और सोसाइटी की हेल्प करोगे उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, इस बुक के एक्शन प्लान्स पर फोकस कीजिए और अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर के आइए। आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है तो बस आज से ही शुरू कीजिए। वेल, आज की स्टूडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टूडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।